दोस्तों 2024 के इलेक्शन आने वाले हैं इस वजह से भारत की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने क्लोज वॉच रखी हुई है लार्ज कैश डिपॉजिट्स और विड्रॉल्स में कोऑपरेटिव बैंक से फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को भारत सरकार ने सेटअप किया था 2004 में चार एक सेंट्रल नेशनल एजेंसी है जो रिस्पॉन्सिबल है रिसीविंग प्रोसेसिंग एनालाइजिंग और डिस्मेंटिंग इफॉर्मेशन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिलेटेट ये इंडिपेंडेंट बॉडी है जो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस काउंसिल को जिसको हेड करती है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का काम है कि वो इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करे अगर कोई सस्पिशियस ट्रांजेक्शन हो रहे हैं तो फिर उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करके शेयर भी करे नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटीज और इंटरनेशनल अथॉरिटीज के साथ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट स्टेब्लिश और मेंटेन करती है डेटाबेस जो वेरियस एंटिटीज रिपोर्ट करती है और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट मॉनिटर और आइडेंटिफाई करती है स्ट्रेटिक की एरियाज़ को मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रेंड से रिलेटेड